नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोविड-19 कोरोना वायरस ये दुनिया भर में अपने पैर पसार चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर यूरोप में देखने को मिल रहा है। यूरोप के देश सबसे ज्यादा इस वायरस की चपेट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूरोप में इस वायरस से संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है, उसने दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया है। फिर भारत भी इसको लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। तभी तो 15 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की और सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जो मुद्दा सभी के लिए गंभीर था। लेकिन इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो कश्मीर का मुद्दा उठाने का एक और मौका मिल गया था, क्योंकि लग रहा था जैसे कोरोना से तो उनका कुछ लेना देना है नहीं। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर यहां चर्चा होनी थी कोरोना की, लेकिन मुद्दा उठा दिया कश्मीर का। हालांकि इसको लेकर फिर एक बार इमरान खान की सरकार सबके निशाने पर जरूर आ गई थी। अब 19 मार्च आते आते, बल्कि उससे पहले ही, कश्मीर का राग अलापने वाले इमरान खान को अचानक से अपने मुल्क के नागरिकों की चिंता सताने लगी। तभी तो उन्होंने इसके लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें वो दुनिया भर से कोरोना के लिए मदद मांगते दिख रहे हैं। मतलब 15 मार्च को जब इमरान खान के पास अपनी व्यथा सबसे कहने का, सबको अपने मुल्क का हाल समझाने का अच्छा मौका था, तब इमरान खान कश्मीर की रट लगा रहे थे और अब ट्विटर के जरिए दुनिया से अपने लिए मदद की आस लगा रहे हैं। इमरान खान कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ये चिंता की बात है। ये हालात केवल पाकिस्तान के ही नहीं, बल्कि भारत, साउथ एशिया के अन्य देश और अफ्रीकन देशों के भी यही हालात हैं। हमारे पास इससे लड़ने की क्षमता नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। आर्थिक सुस्ती के चलते मेरी चिंता भुखमरी और गरीबी को लेकर भी है। वैश्विक समुदाय को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तान जैसे देशों की मदद करनी चाहिए। हमारे कर्ज में छूट मिल जाए तो हम कम से कम इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये रही मुद्दे की बात, यानी कि पाकिस्तान तो पहले से ही कंगाल देश है और उसके बाद कोरोना का कहर भी तो है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए इमरान खान ने मार दिया चौका, कह दिया कि उन्होंने जो कर्ज लिया है उस पर उन्हें छूट दे दी जाए। इमरान खान कह रहे हैं दुनिया को ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए जो खुद इससे लड़ने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 दिन में कोरोना का कहर पाकिस्तान में इतनी तेजी से बढ़ा है कि 15 मार्च को जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 34 थी, वो 17 मार्च को सीधे 236 पहुंच गई। और अब इमरान खान के वीडियो से तो साफ जाहिर है कि वो कोरोना से निपटने को लेकर अपने हाथ पहले ही खड़े कर चुके हैं। आपको पाकिस्तान के ही तौसिफ हैदर नाम के एक शख्स का वो अभी हाल ही का वीडियो याद होगा, जिसमें वो पाकिस्तान सरकार के पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि क्वारंटाइन कैंप में एक साथ 200 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। लोग बेड से लेकर जमीन तक पर सो रहे हैं, ना तो मास्क की सुविधा है और ना ही डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने सरकार पर शिया समुदाय से होने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ देने का आरोप भी लगाया है। और जब पाकिस्तान में ये हालात हैं और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद अपनी भुखमरी और गरीबी की कहानी बयां कर चुके हैं, तो इस पर बाकी देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा, जो कि फिलहाल मुश्किल ही है, क्योंकि हर देश अभी तो अपने ही देश के नागरिकों को बचाने के लिए काम कर रहा है। कोई भी देश पाकिस्तान की मदद तभी कर पाएगा जब उसके खुद के देश में शांति होगी। कम से कम कोरोना जैसा जानलेवा वायरस तो नहीं ही होगा।